नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड 19 की चुनौती से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने देश में कोविड 19 के सामुदायिक प्रसार से किया इनकार। प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 53% से अधिक हुई। 3086 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। और मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश में मॉनसून का अगले 3 से 4 दिनों में हो सकता है आगमन। पूर्वा हवा के कारण बन रही है अनुकूल स्थितियां। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के बाद की स्थितियों को देखते हुए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर प्लग और प्ले के दौर में आ गया है। श्री मोदी भारतीय वाणिज्य संघ के 95वें सालाना सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरकार की जन केंद्रित नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है, ताकि देश में एक प्रतिस्पर्धात्मक और मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। पीपल सेंट्रिक, पीपल ड्रिवन और प्लैनेट फ्रेंडली डेवलपमेंट की अप्रोच अब देश में गवर्नेंस का हिस्सा बन गई है। जो हमारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है वो भी पीपल प्लैनेट और प्रॉफिट के विचार के अनुकूल ही है। आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है, पूरी दुनिया इसे लड़ रही है। कोरोना वॉरियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है। लेकिन इन सब के बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग प्वाइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग प्वाइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत। आयात में कमी लाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सुधारों के जरिए देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। हर वो चीज जिसे इम्पोर्ट करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने, भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट्स का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। वोकल फॉर लोकल नारे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। GEM ने पीपल को सरकार के साथ जुड़कर प्रॉफिट कमाने का एक अवसर दिया है। आप ये जानते ही हैं, GEM प्लेटफॉर्म पर छोटा हो या बड़ा, व्यक्तिगत रूप से काम करता हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाता हो, MSME हो या बड़ा व्यापारी हो, सीधे भारत सरकार को अपने गुड्स और अपनी सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ। कृषि उत्पादों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधनों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को परसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। APMC एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, इन फैसलों ने किसान को एक प्रोड्यूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है। श्री मोदी ने क्लस्टर आधारित बाजार के विकास से संबंधित फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सकेगा। उन्होंने उद्योग जगत से अनुरोध किया कि वह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य से उत्पादन क्षेत्र में और अधिक निवेश करे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि भारत में कोविड 19 महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है।
आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे कोविड 19 रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। इसी तरह प्रति लाख मृत्यु दर की दृष्टि से भी भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु वाले देशों में है। मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर बढ़कर 49.21% हो गई है। इस समय ठीक हुए रोगियों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में अधिक है। उन्होंने कहा कि महामारी की वजह से मृत्यु दर 0.08% है, जो बहुत कम है। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड 19 की स्थिति को लेकर भारत की तुलना गलत संदर्भों में की जा रही है। कई बार ये कंपैरिजन थोड़ा सा मिसलीडिंग मिसकंस्ट्रूड हो सकता है, क्योंकि कभी भी हम कंपैरिजन जब भी करें तो हमें उससे कंपेयर करना है जिस देश की पॉपुलेशन इक्विवेलेंट है। हम कभी भी जिन देशों की पॉपुलेशन हमारे देश के अनुपात में काफी कम है उससे तुलना नहीं कर सकते हैं। आईसीएमआर द्वारा रक्त सीरम से संबंधित सर्वेक्षण सीरो सर्वे के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार देश के 83 चुने हुए जिलों में 0.73% आबादी में कोरोना वायरस संक्रमण का कारण किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना रहा है। परिणाम में यह भी बताया गया है कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट की नीति सफल रही है और इससे संक्रमण की दर कम करने और तेजी से इसका फैलाव रोकने में मदद मिली है। लेकिन सर्वेक्षण के अनुसार देश की काफी बड़ी आबादी महामारी के प्रति अब भी संवेदनशील बनी हुई है। सर्वेक्षण के नतीजों का जिक्र करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार शहरी झुग्गी बस्तियों में कोविड महामारी का प्रकोप अधिक देखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 53% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 152 मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 3,086 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 2,686 है। संक्रमितों की कुल संख्या 5,807 है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार इस महामारी से अब तक 34 लोगों की मौत हुई है। राज्य में इस महामारी से मृत्यु दर 0.58% है, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है। बुलेटिन में कहा गया है कि अब तक राज्य में जो भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं उसमें 4,201 दूसरे राज्यों से लौटे लोगों के हैं। इस तरह संक्रमितों की कुल संख्या का 72% से अधिक प्रवासी कामगारों का है। इधर आज कोविड 19 के 109 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 23 मामले सिवान से सामने आए हैं। मधेपुरा से 16, कैमूर से 10, भोजपुर से 9, रोहतास से 6 और सारण से 5 मामलों की पुष्टि हुई है। भागलपुर और कटिहार से 4-4, बेगूसराय, किशनगंज, शेखपुरा और समस्तीपुर से 3-3 और पूर्णिया, जमुई, बक्सर, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद से 2-2 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा नवादा, लखीसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और सहरसा से 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। इधर देश में कोविड मरीजों की संख्या 2,86,579 हो गई है। 1,41,029 रोगी ठीक हो गए हैं, वहीं मृतकों का आंकड़ा 8,102 पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध पूर्व की तरह जारी रहेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद में श्री कुमार ने कहा कि इन इलाकों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा चिन्हित कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी होम डिलीवरी के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी और इन हिस्सों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी रहेगी। जमुई, अरवल और जहानाबाद जिलों के सदर अस्पताल में अब ट्रूनेट मशीन के माध्यम से कोरोना वायरस के नमूनों की जांच की जा सकेगी। इस मशीन से प्रतिदिन 50 नमूनों की जांच की जा सकेगी। औरंगाबाद जिला प्रशासन द्वारा दूसरे राज्यों से लौटे कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि श्रमिकों और उद्यमियों के बीच हुए संवाद के माध्यम से रोजगार सृजन की संभावनाओं की तलाश की गयी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कॉलेज के विद्यार्थियों को 10-10 हजार रूपये की छात्रवृत्ति दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि यह संदेश निराधार है।
बिहार में मॉनसून अगले 3 से 4 दिनों में दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मॉनसून पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच चुका है। विभाग ने कहा है कि ओडिशा में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पूर्वा हवा बहने लगी है, जिससे मॉनसून के अनुकूल स्थितियां बनी हैं। इधर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश दर्ज की गई। सुपौल के भीमनगर में सबसे अधिक 9.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना हाईकोर्ट ने मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास लदमा से AK-47 राइफल बरामद होने के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं कुख्यात भोला सिंह की हत्या की साजिश से जुड़े वायरल ऑडियो के मामले में उन्हें न्यायालय ने जमानत दे दी है। नवादा के सांसद चंदन सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर जिले के कुलना गांव को गोद लिया है। शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लहसुरका गांव में शराब कारोबारी को गिरफ्तार करने पहुंची मुजफ्फरपुर पुलिस टीम के वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र में हसनपुर गांव में राहगीरों से हथियार के बल पर रंगदारी मांग रहे एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी जिले के सहियारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसघाट के पास अपराधियों ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। नवादा जिले में शिक्षा विभाग बाला परियोजना के तहत 30 जून तक 75 स्कूलों को सुसज्जित करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य बच्चों को विद्यालय भवन की दीवारों पर चित्रकारी के माध्यम से नई जानकारियों से अवगत कराना और उन्हें शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ना है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दरभंगा प्रमंडल में अब तक 7,000 खाते खोले गए हैं। प्रमंडल को राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 की चुनौती से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी, वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने देश में कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार से किया इनकार। प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 53% से अधिक हुई, 3,086 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। और मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश में मॉनसून का अगले 3 से 4 दिनों में हो सकता है आगमन, पूर्वा हवा के कारण बन रही है अनुकूल स्थितियां। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिये, सुरक्षित रहिये और सुनते रहिये आकाशवाणी।